हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यूज़ करके और उसके कुछ जो गिवन डोमेन थे उसके अंदर हमने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी। वही सेम चीज़ हम दोबारा फिर से करते हैं दूसरे एग्जाम्पल लेके, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो 11th में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज साइन 3 थीटा। तो आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे हम 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा अगर लेते हैं तो उसका आंसर sin³ थीटा आता है। तो 11th का कितना ज़रूरी है आपका फॉर्मूला याद रखना। सो आप फॉर्मूले याद रखते हो तो आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin³थीटा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा। अब हमें देखना है कि ये डोमेन के अंदर लाई करता है या नहीं। तो पहला हमें दे दिया गिवन डोमेन, पहला हम करते हैं दैट इज़ -1/2 से लेके एक्स जो है 1/2 तक है। तो एक्स के बदले हम लोग को लिखना है साइन थीटा, क्योंकि हमने साइन थीटा लिया है, -1/2 से लेके 1/2 तक। तो साइन थीटा -1/2 मतलब साइन -π/6 हो जाता है ना। और यहाँ पे sin π/6, तो हम क्लियर हो गए कि थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -π/6 से लेके π/6 तक है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 थीटा आ जाता है तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे। याद करिए पिछले क्वेश्चन में 2 थीटा आया था तो हमने 2 मल्टीप्लाई किया था, और इस क्वेश्चन में 3 थीटा आ रहा है क्यों, इसलिए हम 3 मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं ये -π/2 हो जाता है, ये 3 थीटा हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई करने से 3 3 कैंसिल आउट, π/2 हो जाता है। अब 3 थीटा जो है -π/2 से लेके π/2 मतलब डोमेन के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा दिया है sin³थीटा है तो डोमेन के अंदर आ गया। तो जैसे ही डोमेन के अंदर आ गया तो हम लोग लिखेंगे -π/2 से लेके π/2 बिलोंग कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो था वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin³थीटा, तो जैसे ही आ गया तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 3 थीटा। तो यहाँ पे हमने लिया था एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो ये हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 3 थीटा के बदले हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, है। अब इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो dy/dx 3/1 − x² का रूट हो। ये हो गया पहले का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे केस की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एक्स जो है वो बोला है हाफ से लेके 1 तक है। तो एक्स मतलब साइन थीटा है, तो थीटा हो जाएगा हमारा π/6 से लेके, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, और ये 1 मतलब π/2 तक हो जाता है। अगेन हमें 3 थीटा मल्टीप्लाई करना है, तो π/2 से लेके ये 3 थीटा 3 मल्टीप्लाई करने से 3π/2 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से माइनस डालते हैं, तो जैसे ही माइनस डालेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, -3π/2 ये हो जाएगा -3 थीटा, ये हो जाएगा -π/2, डन। अब इसे पाए प्लस कर लेते हैं, पाए -3π/2 ये है पाए -3 थीटा, ये हो जाएगा पाए -π/2। तो पाए -3π/2 मतलब -π/2 हुआ, ये रहा पाए -3 थीटा, ये हो जाएगा पाए -π/2 मतलब π/2, जो कि आ गया हमारा डोमेन के अंदर, दैट इज़ -π/2 से लेके π/2 तक। चलो डोमेन के अंदर आ गया, तो हम डायरेक्टली वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin³थीटा था उसके बदले हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin π − 3 थीटा। पाए -3 थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं पाए -3 थीटा। तो
y इज इक्वल टू पाई माइनस थ्री साइन इनवर्स x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा होगा शायद, थीटा के जगह पे साइन इनवर्स x लिखा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स, ये तो 0, ये माइनस थ्री बाय रूट ऑवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डन। ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड कंडीशन हमारा दिया है x जो है वो माइनस वन से लेके माइनस वन बाई टू तक है, तो थीटा हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई सिक्स। अब थ्री थीटा मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस थ्री पाई बाई टू थ्री थीटा, और ये हो जाए हमारा माइनस पाई बाई टू। अब हम यहाँ पे पाई ऐड कर लेते हैं, पाई जैसे ही ऐड करते हैं तो ये माइनस पाई बाई टू आ जाता है, ये पाई प्लस थ्री थीटा हो जाता है, ये हो जाता है हमारा पाई बाई टू। चलो डन। तो अब ये तो रेंज के अंदर आ गया है ना, रेंज के अंदर जैसे ही आ जाता है, हमें लिखना है क्या लिखना है, दोबारा क्वेश्चन लिखना है, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये वाला लिखना है, हाँ ये वाला हर जगह लिखना है, रेंज के अंदर लाने के बाद लिखेंगे साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा, क्योंकि ये रेंज के अंदर नहीं था, हमने रेंज के अंदर लाया, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा के बदले हम लिखेंगे साइन पाई प्लस थ्री थीटा। अगेन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया ये, यहाँ पे पाई प्लस थ्री थीटा मतलब थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव है, उसे लाने के लिए हमें माइनस आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन माइनस अंदर चला जाएगा माइनस पाई माइनस थ्री थीटा। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तो वाई इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस थ्री थीटा, तो इसको डायरेक्ट इसको फिर से दोबारा लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस थ्री साइन इनवर्स एक्स। अब हम लिखेंगे दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, डिलीवरी करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री बाहर, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स का, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो इस तरह हमने प्रूव किया है, और शायद मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन में जो पहले फंक्शन लिखे थे वहाँ पे डोमेन की जगह शायद डोमेन लिख दिया था, गलत हो गया था, वो रेंज आएगा एक्चुअली, ठीक है, तो वो थोड़ा चेंज कर देना, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आज के लिए, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये पूरा सेगमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये लिख लेना क्वेश्चंस कुछ, ये तीन क्वेश्चन दिया मैंने, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 2x² - 1, ये दो केस है, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 1 - 2x², देखिए वो इसका उल्टा क्वेश्चन है, फिर से दो केस, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 4x³ - 3x, तीन केसेस है, ये आपको खुद से करना है, आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक करेंगे तो आपको आसान लगेगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, थैंक यू।